क्या आप जानते हैं एप्पल का लोगो कटा हुआ क्यों रहता है? और एडिडास के लोगों में वो थ्री लाइंस हमें क्या बताने की कोशिश करती है? और अगर कार कंपनी हुंडई के लोगों को देखकर आपको भी यही लगता है कि ये कंपनी के नाम का पहला लेटर एच है तो आप गलत है। आज के वीडियो में हम दुनिया के फेमस ब्रांड के लोगों के बारे में जानेंगे जो कि दिखने में तो काफी सिंपल है लेकिन उन फेमस कंपनी के लोगों को बनाने की कहानी बहुत मजेदार है। तो साथ में देखते हैं फैक्ट गैलरी के एपिसोड नंबर 5 को। क्या आप जानते हैं टोयोटा कंपनी का लोगो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर अक्षर दिखे। इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है और सर्कल के अंदर की इमेज ऐसी है कि जैसे धागा सुई के अंदर जा रहा हो। ये लोगो ये दिखाता है कि कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस की तरह हुई थी। अमेज़न को लोगो को समझना बहुत सरल है। इसमें इंग्लिश लेटर ए और जेड के बीच में एक येलो एरो है। ये लोगो हमें दो चीज दिखाती है, पहला लोगो का हंसता हुआ चेहरा और दूसरा ए से लेकर जेड तक हर चीजें अमेज़न पर खरीदा जा सकता है, इसलिए एरो ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हो जाता है। लाइफ गुड यानी एलजी का लोगो कुछ ऐसा है जैसे पैकमैन गेम में चेहरा बना होता था। ये किसी इंसान के चेहरे का स्टाइल किया हुआ फोटो है। कंपनी के मुताबिक ये दर्शाता है कि कंपनी का उसके ग्राहकों से कितना मानवीय व्यवहार है। कई लोगों को लगता है कि बीएमडब्ल्यू के बीच का हिस्सा असल में रोटेटिंग फैन यानी घूमते हुए पंखे को दर्शाता है लेकिन ये एरोप्लेन को दर्शाता है क्योंकि बीएमडब्ल्यू का इतिहास एविएशन कंपनी की तरह था। असल में ये जर्मनी के बवेरिया का झंडा है, यही वो जगह है जहाँ बीएमडब्ल्यू की शुरुआत हुई थी। बास्किन रोबिन्स के लोगो में पिंक रंग से आधा बी और आधा आर बना है। ये असल में नंबर 31 है। 31 नंबर उन फ्लेवर को दर्शाता है जो बास्किन रोबिन्स के लोकप्रिय होने का कारण बनी। अगर हुंडई के लोगों को देखकर आपको भी यही लगता है कि कंपनी का पहला लेटर एच है तो आप गलत है। दरअसल हुंडई का एच असल में दो लोगों के हाथ मिलाने की तस्वीर है जिसमें एक बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला। इसके अलावा अंडाकार सर्कल का मतलब है कि हुंडई का पूरी दुनिया में विस्तार। एडिडास कंपनी का लोगो हमेशा से बदलता रहा है लेकिन इसके लोगो में एक बात रही है, थ्री स्ट्राइप यानी तीन लकीरें। हालांकि लोगो कुछ ऐसा बना हुआ है कि लगे जैसे तीन लकीरें मिलकर एक त्रिकोण बना रही है। ये आकृति पहाड़ की है जिसमें लोगों को ये दिखे कि खिलाड़ियों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। एप्पल का लोगो डिजाइन करते समय एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी। जॉब्स चाहते थे कि एप्पल कंपनी का नाम डायरेक्टरी में अटारी कॉर्पोरेशन के ऊपर आए। ये वो कंपनी थी जहां जॉब्स और रोनाल्ड वेन काम करते थे। एप्पल कंपनी का लोगो रॉब जेनोफ ने डिजाइन किया था। उन्होंने सेब की पूरी पेटी लाकर उसकी ड्रॉइंग बनाना शुरू कर दिया था। एप्पल का एक बाइट लेना भी इसी का हिस्सा था। उसी दौरान उन्हें समझ आया कि बाइट वैसा ही लगता है जैसा कंप्यूटर टर्म बाइट है और एप्पल का जो कटा हुआ निशान है वो उन्होंने खाया था और इसी कारण बना एप्पल का लोगो कुछ ऐसा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।